Lovely buddies and a very warm welcome to you all on this platform. आप सबको बहुत miss किया है मैंने और इसीलिए ले आई हूँ मैं क्या? आज एक नहीं दो stories. Yes. So I have two stories today and you know what? जो हमारी book का नाम है, the name of the book is in this. Yes. In those stories में से एक वो story है जिसका नाम आपको हमेशा हमारी book का दिखाई देता है first flight. तो important है. Definitely. क्या है first flight? क्यों हमारी book का नाम रखा गया है?

टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट ओके सो फ्लाइंग के रिलेटेड उड़ने से रिलेटेड हमारे पास में कितनी टू स्टोरी फर्स्ट वन ओके जब हम फर्स्ट की बात करते हैं वेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन वी हैव टू है राइट कितने हैं हमारे पास में दो आपको दो यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहे हैं देयर आर टू टू ऑथर्स बिकॉज वी हैव स्टोरीज हमारे पास में क्या है दो स्टोरीज है जब दो स्टोरीज है तो दो ऑथर होने हैं बिल्कुल करेक्ट है हमारी बात यहाँ पे सो so, यार देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हिज फर्स्ट फ्लाइट इज द फर्स्ट वन तो इनके ऑथर का नाम क्या है ही इज लैम ऑफ फ्लैट ये रहा इनका नाम ओके okay? ये आयरिश नॉवलिस्ट थे एंड साथ ही साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे ही ही वाज बोर्न ऑन ऑन 1896 ये याद रख सकते हैं एंड डाइड 1984 वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू राइट बोर्न ऑन एंड इफ यू राइट डाइड ऑन तो आपके अगर एक्सट्रैक्ट आता है या अगर किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है अबाउट द ऑथर के बारे में पूछा जाता है एंड यू हाईलाइट ऑल दीज पॉइंट तो इट गिवस अ मोर इम्पैक्ट ऑन योर आंसर एंड दैट्स रियली ट्रू इज हर आंसर जो है देखो आपको जैसे गानों में दिखाया

व्हाइट एरोप्लेन the first 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 flight. First flight तो, oh तो देखा ही देखा है अच्छा रोप्लेन आया है तो लेट्स क्विकली गो विद आर वॉट सुना होगा एयरोप्लेन भी कहा जाता है आपने सुना है एयरप्लेन मैम विच वन इज करेक्ट बेसिक क्वेश्चन ऑलवेज कम्स मैम इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है मैम ये मेरी राइट right है बौद्ध स्पेलिंग्स आर करेक्ट ओके रिमेंबर बुद्ध स्पेलिंग्स आर करेक्ट ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो अमेरिका जो कि वर्ल्ड में अभी डोमिनेट कर रहा है एंड उनके पास में क्या पावर है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर वो, वो वर्क कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पर वो वर्क कर रहे हैं सो वट दे आर गोइंग टू डू वट दे आर एक्चुअली डूइंग वो क्या कर रहे हैं वो थोड़ी सी स्पेलिंग्स में जो बहुत ट्रडिशनल टाइम से चले आ रही हैं ट्रडिशनल स्पेलिंग्स हैं उनमें थोड़ी सी ना इधर उधर कर रहे हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सो आई थिंक

नॉलेज दे दी दे देखो तुम मुझसे तो तो सोचो जब हम पेड़ क्लासेस करते हैं तो मैं हर एक बारीकी से बात बताती रिलेट करती कि तुमने ये पहले कहाँ पढ़ा है आगे कब पढ़ सकते हो और एग्जाम में किस तरीके से इस वर्ड का यूज कर सकते हो सो बी क्विक इन ज्वाइनिंग हमारे उनके साथ में आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए

स्टोरी को मैं फटाफट से बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि क्या स्टोरी एंड हाउ बट आई आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑन वन कंडीशन ओनली कि आप मुझे थीम बताएंगे

फादर मदर जब उसके सिबलिंग्स को भी उड़ाना उड़ना सिखा रहे थे उसको भी उड़ना सिखा रहे थे बट ही वो ही वॉज फ्यो मैंने कितने सारे सिनोनिम्स बता दिए अभी यहां पे आपको जो याद रहे आप वो वाला जरूर से यूज कीजिए सो so, वो उसको बहुत डर लगता था उसको उड़ना मतलब उड़ने से डर लगता था उसे लगता था शायद मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे वॉट इफ मैं घिर जाऊंगा वॉट इफ़ फॉर्म याद रखो याद हो तो मैं वो फॉर्म तो उन सब सारी चीजों को आप एक साथ में याद कर लीजिए सो एक बार क्या होता है इट इज़ अ स्टोरी अबाउट दैट एंड इट इज रिटर्न

की कोशिश की लेकिन वो सारे अटेम्प्ट्स में क्या हो गए फेल हो गए अब वो फेल हो गए तो एक एक टाइम ऐसा आया कि उसके पेरेंट्स भी इरिटेट होने लग गए कि हम इसको इतना ज़्यादा कर रहे हैं, बट स्टिल ये अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बाहर नहीं लेके आ पा रहा है देन वॉट हैपेंड सो हिज फादर एंड मदर परसुएटेड हेम टू फ्ली आ गया यहाँ पे ये लाइन याद रख लीजिए परसुएट करना मतलब उस चीज के लिए उसको मनाना और इवन डाटा भी देखो भाई कितने दिन तक प्यार करेंगे मम्मी पापा वही मम्मी पापा सबसे अच्छे होते हैं जो डांटते भी हैं है तो परसुएट किया साथ ही साथ ही में उसको स्कोल्ड भी किया लेकिन सारा कुछ इन वेन ऑल इन वेन मतलब नो रिजल्ट नो सक्सेस इन वेन याद रखो बहुत अच्छा तरीका है लिखने का जब आप कहते हो कि देर वॉज नो आउटपुट उसका कोई आउटपुट निकला नहीं निकला अच्छा पार्ट नहीं निकला उसका पॉजिटिव कोई भी रिजल्ट नहीं आया तो ऑल इन वेन कहा जाता है ठीक है अब वो क्या करता था सिर्फ दूर से देखता था उसके पेरेंट्स बाहर जाते और उड़ते उसके साथ-साथ में उसके सिब्लिंग्स भी उड़ के जाते और वो कुछ खाना-वाना लेकर के वापस से आ जाते सो so, ये सारा दिन तक चलता रहा व्हाट हैपेंड देन फिर क्या हुआ था फिर ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी ना एक दिन आई उसके मम्मी ने क्या किया उसके साथ में थोड़ी सी हमारी मम्मा करती है ना वैसे ही हमारी जैसे मम्मा नहीं करती हमको कि पढ़ते नहीं है तो हमको ना ताने देते शर्मा जी का लड़का वर्मा जी की लड़की है ना तुम तो ऐसे करके तो उसको भी क्या किया गया थोड़ा सा आई कैन से पोक किया गया कि देखो है ना वो खाना लेने गए उसके पास में आए अभी वो उड़ती उड़ती उनके पास में तो आई उड़ने के बाद में जब उनके पास में आई और वो वो चाह रही थी कि वो भी उड़ के उनके पास में आए लेकिन उसने जब अपनी तरफ से

थोड़ा सा जैसे ही आगे गया और उसने सोचा कि अब मैं ये फिश खा लूंगा लूंगा अंदर का फिर से डर जाग गया उसका हॉरेबल वॉट इज रिटर्न दॉरेबल हॉर ग्रिप्ड हिम उसको फिर से डर ने कर लिया नहीं नहीं तुम गिर जाओगे, नहीं तुम नहीं उड़ सकते हो। ऐसा करके हुआ Then he realized कि अब वो जाएगा अगर ऐसा होगा होगा? तो क्या होगा। Then what happened? What happened? उसने ये इसका चांस लिया। he felt his wings extend outwards the following minute. उसी वक्त उसे लगा, हालांकि डर फील हुआ था कि मैं गिर जाऊंगा कर जाऊंगा लेकिन उसी वक्त उसे फील हुआ कि उसकी जो है, उसमें बहुत ताकत है टू सोर सोर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत एक ईजी वर्ड भी है सोर करना मतलब फ्लाई करना ऊपर की तरफ जाना द अपवर्ड मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है सोर कहा जाता है और जैसे ही उसको अपने पंखों पर विश्वास हुआ वो उड़ने लगा और उसने अपनी उड़ान भर ली द वेरी फर्स्ट उड़ान द वेरी फर्स्ट फ्लाइट ही हैड एंड फाइनली यंग सीगर्स वो बहुत खुश था अपनी फर्स्ट उड़ान को लेकर फर्स्ट फ्लाइट को लेकर एंड सो हायर एंड स्किम्ड थ्रू देवस एंड डाइव अलॉन्ग हिज विद

करके लेकिन एक टाइम पे अगर आपने उस फ़ियर को ओवरकम कर लिया, अपने कॉन्फिडेंस को जीत लिया अपने कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वॉक कर लिया तो तुम दुनिया की भी नहीं सुनोगे और ये कॉन्फिडेंस मैं क्या चाहती हूं दैट कॉन्फिडेंस शुड बी फॉर योर इंग्लिश ओनली किसके लिए होना चाहिए इंग्लिश के लिए होना चाहिए मैंने ये देखा है कि हम सुनते हैं हम गाने भी सुन लेते हैं हम पढ़ लेते हैं लेकिन जहां बोलने की बात आती है वहां पे हमारा फियर हमें क्या कर लेता है इसी तरीके से ग्रिप करके रख लेता है दैट वी कैन नॉट से बिना नो अगर मैंने गलत बोल दिया तो जजमेंटल हो गए तो आगे वाले आगे वाले ने बोल दिया अरे तुमने गड़बड़ कर दी तो ही की जगह शी निकल गया तो बिल्कुल ऐसा हर की जगह हिम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है एक बार होगा दो बार होगा तीसरी बार यू आर गोइंग टू बी करेक्ट यू विल डू दैट इन अ ग्रेट वे जस्ट यू हैव टू ओवरकम योर फियर यही हमें इससे क्या मिलता है लेसन मिलता है जल्दी से आप अपना थीम फटाफट फड़ से बताओ अगर क्वेश्चन आ जाए इन बिटवीन क्वेश्चन में आपको पूछती हूं यहाँ पे दैट इफ द क्वेश्चन कम्स हिस्टर फ्रॉम दिस फार दैट वर्न यू लर्न यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी फर्स्ट फ्लाइट इन एनी वे यू कैन बी आस्ट अ क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए बहुत सिंपल सी शॉर्ट सी स्टोरी थी सीगल और उसकी फैमिली की स्टोरी थी सीगल की फर्स्ट फ्लाइट को लेकर के स्टोरी थी आपने क्या सीखा आपने अपनी लाइफ में कहा उसे रियलाइज किया है वेयर

राइट सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद सेकेंड पार्ट आप सोच रहे हो ना मैम आपने ग्लॉसरी नहीं कराई हमेशा तो आज तक आपका ऐसा ही रहा है कि स्टोरी कराते हो स्टोरी के बाद में ग्लॉसरी ग्लॉसरी कराते हो के बाद में आप एमसीक्यू क्वेश्चन एंड नॉर्मल क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हो तो भाई इसमें कितने हैं दो चैप्टर्स है तो हम भी कर लेंगे ना हम कोई रोक सकता है हम दूसरा चैप्टर भी कर लेंगे तो फटाफट से दूसरा पार्ट करते हैं हम यहाँ पे एंड दिस सेकंड पार्ट इज अबाउट ब्लैक एरोप्लेन अब ये ब्लैक एरोप्लेन ना मेरे लिए यहाँ पे क्या ला रहा है ऐसा लाइक टेरर वाला टेरर वाला मतलब कैसे होता है डर लगता है ना कि किसी अंधविश्वास में ब्लैक ब्लैक सी ब्लैक मैजिक हो कहीं पे कुछ अलग सा डरावना सा होने वाला हो मिस्टीरियस सा होने वाला हो लाइक दैट सो येस अगर आपके भी यही थाट्स है दिस इज द स्टोरी अबाउट दैट देर वॉज वन

किचन तो की तरफ नहीं जा पाते हो इतना अंधेरा होता है घर में ये रात को डेढ़ बजे आसमान में एरोप्लेन से जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं क्योंकि इनको अपनी फैमिली से मिलना होता है ओके सो so, एक वो क्या करते हैं पेरिस को क्रॉस कर लेते हैं तभी काले घने घनघोर से बादल छा जाते हैं एंड लुक लाइक ब्लैक और कैसे लगने लगते हैं वो स्टॉमी क्लाउड्स कैसे लगते हैं एकदम ब्लैक माउंटेन्स की तरह लगने लगते हैं फिर भी वो सोचते हैं कि कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसा ना खुद में ऐसा ओवर oh कॉन्फिडेंस वाला कि कुछ नहीं कुछ नहीं मैं इसको पार करके ना दूसरी तरफ चला जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरी फैमिली से मिलना है देन इन दो ब्लैक क्लाउड्स क्लाउड्स में क्या होता है कि एकदम कंप्लीटली वो एकदम खो जाते हैं अचानक से ही खो जाते हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता है बाहर जाने का रास्ता कहां है इतना काला अंधेरा छाया हुआ होता है

विंग्स जो होते हैं ना विंग्स मतलब इसके भी पंख होते हैं ना एयरप्लेन के अरे क्या बात करते हो क्या पायलट बनेगा रे ये देखो ये क्या है ये क्या है Huh? These are wings. ये विंग्स के लाते ये तो ये 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 हैं, हैं हैं। तो 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 इसका हुआ हुआ? और ये जो ना इसके, वो क्या होते विंग्स होते तो चलो, क्या होते होते चलो, उनके विंग्स थे, विंग्स पे लाइट नहीं लग रही थी, मतलब मिस्टीरियस ही मिस्टीरियस चीजें थी एकदम काले घने अचानक से बादलों में अचानक से एक एयरप्लेन दिखाई दिया लेकिन एयरप्लेन पे लाइट भी नहीं दिखाई दी तो अब उसको ऐसा लगा कि वो एयरप्लेन उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई तुम मुझे फॉलो करो ऐसे लग रहा था जैसे कि भगवान ने अपना ही रूप किसी के सामने भेज दिया सो ही फेल दैट दैट दिस इज इंडिकेशन फ्रॉम गॉड दैट आई मस्ट फॉलो हिम तो उन्होंने उन्हें फॉलो करना शुरू किया ठीक है If you forgot half an hour and found that the fuel could only last for another five to ten minutes, अब उसको दिमाग में ये भी था कि अब जो मेरे इस प्लेन में और प्लेन में जो फ्यूल है वो भी खत्म होने वाला है तो अगर आधे घंटे तक तो मैंने पार कर लिया तब तो ठीक है अदरवाइज ना गाड़ी वहीं पे क्या हो जाएगी ठप हो जाएगी बंद हो जाएगी और वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा सारी चीजें तो पायलट के दिमाग में ये सारी चीजें भी चल रहे थे फिर भी उन्होंने उन उन्हों सारी चीजों को ओवरकम किया और उन्होंने पास किया वो थिक क्लाउड्स को भी पास किया और लैंड कर दिया सेफली रनवे पे रनवे पे आ गए लैंड कर दिया मैम ये क्या स्टोरी हुई ये तो बड़ी सिंपल सी स्टोरी हुई कि एक बार एक बार जो ऑथर है वो ऑथर फंस गए थे ब्लैक क्लाउड्स के बीच में और फिर उनको एक दूसरा एयरप्लेन दिखाई दिया जिसके कोई लाइट्स वाइट्स नहीं थी विंग्स पे वो आया और उनको फॉलो किया ऑथर ने और फिर वो लैंड कर गए ये इतनी सी स्टोरी नहीं है ना स्टोरी का ट्विस्ट तो अब आगे है जब वो रनवे पे लैंड कर गए तो उन्होंने सोचा कि मुझे मिलना चाहिए और मुझे थैंक यू करना चाहिए उस एयरप्लेन के पायलट ने जिसे मुझे बचाया है सो वो कहाँ गए वो वहां जो रनवे होता है

कौन सा ब्लैक एयरप्लेन

के लाइक uh, कोई uh, like, कोई आते हैं आता है आपको आपको हेल्प करके चला जाता है न्यू फील्ड तक और वो कहते हैं हम आपके ना फलाना 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 के फलाना फलाना है और आपको याद भी नहीं होता आप तो सोचते हो काम निकल गया बहुत बढ़िया है फिर बाद में आप करते हो वो कौन थे एक्चुअली राइट right? सो so, इसी तरीके से मिस्ट्री हुई हमारे ऑथर के साथ में यहाँ पे हमारी सेकेंड स्टोरी भी होती है कंप्लीट बहुत सिंपल सिंपल सी स्टोरीज थी यहाँ पे हमारे पास में नाउ ग्लॉसरी पार्ट इज हियर व्हाई आई ऑलवेज ऑलवेज लेट यू लर्न दिस ग्लॉसरी पार्ट बिकॉज एग्जाम में आपने एक दो सिंपल वर्ड्स लिखते हो एक एडवांस इंग्लिश के वर्ड्स लिखते हो तो एग्जामिनर किसको पसंद करेगा उसको ज्यादा पसंद करेगा नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए 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 बिल्कुल चाहिए इफ यू आर गिविंग योर एफर्ट्स ऑलरेडी इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट देन वाई नॉट डू योर बेस्ट

ब्रेडिंग करना कहा जाता है स्टाफ भूका मरना ये तो बचपन से देखा होगा आपने इतनी सारी जो पोम्स पड़ी है इतनी सारी जो स्टोरीज उसमें कहीं ना कहीं स्टाफ का जिक्र होता है भूका मरने के लिए होता है देन असेंडिंग हाँ अगर तुम कहते हो असेंडिंग का नहीं पता है तो सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ मैथ्स में तुमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किया है ना आरोही और अवरोही क्रम किया है ना आरोही मतलब ऊपर की तरफ बढ़ते हुए अवरोही मतलब नीचे की तरफ छोटा कोई चीज होती है उसकी तरफ जाना तो असेंडिंग मतलब क्या हो रहा आरोही यानी राइजिंग नेक्स्ट इज ब्लेजिंग लाइक शाइनिंग आजकल आपने सुना होगा ना जो वगैरह को देखते हो सो आई एम ब्लेजिंग है हमने. अब वो blaze कह रहे हैं तो मतलब मतलब भी क्या हुआ? Shine हुआ. Then, मतलब क्या हुआ हुआ. होता है टॉन्टिंग संबंध दिन भर हमारा काम है ना हम तो करते रहते हैं हमको बड़ा मजा आता है किसी न किसी को टीज करने में सो दैट इज वॉट ओके बिटरली मतलब यहाँ पे बिटर वो वाला बिटर नहीं है दुख में सैडनेस के साथ में आ, सौरों के साथ में जो बात करते हैं उसके लिए यूज किया गया है सीज गाड़ी सीज करता है ना जब्त कर लेता है उसने मेरी गाड़ी सीज कर ली भाई सीज करने का मतलब क्या हुआ पकड़ लेना बस हम लोगों को ये वर्ड सुनना है हमने ये वर्ड यूज भी किया है स्पेलिंग कभी नहीं याद की स्पेलिंग का कभी जिक्र ही नहीं हुआ है ना सुनाए दोस्त से यार दोस्त मेरे बचाने आ जा मुझे क्या हुआ अरे पुलिस ने गाड़ी ले ली

ओके इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स वेर यू आर सो इंडिया में तो बच्चों को कैसे करते हैं ऐसे गोद में ले लेते हैं लेकिन आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में ऑलवेज व्हाट दे बर्ड उनके पास में स्ट्रॉलर होता है उसको स्ट्रॉलर कहते हैं बता देती हूँ बच्चा होता है वो चुपचाप इतना सीधा बच्चा मतलब उनके बच्चे इतने सीधे केस हो जाते हैं चुपचाप चुपचाप चुप चुप से रहते हैं हाँ हमको ले जाओ तुम किसी मॉल में हम तो फैल जाते हैं इतने बड़े होने के बाद फैल जाते हैं चॉकलेट नहीं दिलाई यार मम्मी आपने यार इतनी दूर में आपके लिए गाड़ी चला के आई मम्मी आपको दिलाने के लिए और ये सारा आप एक चॉकलेट नहीं दिला रहे हो आप मुझे ये वाला चीज नहीं दिला रही हो हम इतने बड़े होने के बाद में फैल जाते हैं उनके बच्चे देखो छोटे छोटे से बच्चे तो उनके और स्ट्रॉलर में चुपचाप ऐसे बैठे हुए होते हैं देख रहे होते हैं ऐसे ऐसे अब स्ट्रॉलर मतलब क्या है तुमको याद कराने का स्ट्रॉलर है यहाँ पे ओके स्ट्रॉल करना मींस क्या होता है मूविंग अराउंड इन एनी प्लेस वो क्या होता है इधर उधर कहीं पे भी मूव हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम स्ट्रॉलर कहते हैं दैट्स वॉट वर्ड इज आ रहा ना मजा देखो मजा आ रहा है तो अभी के अभी लाइक करो अभी के अभी लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो सब कुछ करो यार मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे क्या करो क्विकली बैकनिंग दैट मींस पॉइंटिंग ऐसे किसी को इंडिकेशन देते हैं ना इंडिकेट करना यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हो पॉइंट करना इंडिकेट करना उसको ही कहा जाता है देन डिसर्न डिसर्न मीन्स अंडरस्टैंड

राइट सो ट्रेम्बल मीनस क्या होता है शेक हाँ मैम हमने उस वक्त पढ़ लिया होता तो अब तक तो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती ना ऐसा नहीं है हम बस रिपीटेशन नहीं करते हैं हम रिवाइज नहीं करते हैं दैट्स एक से दो बार रिवाइज कर लिया उसी वर्ड को पकड़ लिया कि आज मैंने ना इसमें से जैसे मैम ने स्ट्रॉलर का वर्ड बताया तो मैं इसको जब भी कोई दिखेगा उसको बोलूंगी देखो उसके पास स्ट्रॉलर है उसे मुझे भी याद होगा उसे भी याद होगा इस तरीके का जब आपने अप्रोच लेना है या दूसरा अप्रोच है मुझे एग्जाम में इन वर्ड्स का यूज करना सो वेन यू यूज योर दीज वर्ड्स इन एग्जाम यू मे क्योर देखो स्टोरी को याद कर सकता है आई ऑलवेज स्टोरी कोई भी याद कर सकता है स्टोरी कहानी वहां तुम्हें नहीं पूछी जाती एग्जामिनर का अप्रोच तुम्हारे से कहानी पूछना नहीं होता है उनके क्वेश्चन अलग लेवल के होते हैं दैट्स आपको क्या लगता है हमने तो क्वेश्चन का आंसर दिया था लेकिन हमें फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले अरे क्वेश्चन का अप्रोच देखो ना वहां तुम्हें स्टोरी थोड़ी सुनानी है स्टोरी टेलर नहीं बनना है वहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे वो अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और तुम वहां स्टोरी लिख के आ रहे हो तो फिर मतलब ही नहीं मैचिंग ही नहीं रही है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं इंट्रूड का मतलब इंट्रूड वर्ड का मतलब क्या होता है जबरदस्ती किसी चीज में इंट, इंटरफेयर करना घुसपैठी के लिए यूज किया जाता है जहां एंट्री नहीं है फिर भी आप चले जाते हैं उसको लिए इंट्रूड जाता है मूविंग अहेड सो so, डीप ब्रेथ एंड टिली फॉर दिसपिड फायर राउंड रैपिड फायर राउंड मेरे को बहुत मजा आता है मैम आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो ये रैपिड फायर से ही लाती हूँ मेरे को सारी चीजें ना बहुत एकदम एनर्जेटिक चाहिए होती है एंतुजिया पैशन के साथ पढ़ो बहुत डलनेस के साथ पढ़ते हो आजकल के बच्चे देखे मेरे बहुत डलनेस के साथ पढ़ने लग गए हैं बोरियत लेने लगते हैं बोझ लेने लगते हैं ये सब मत करो एकदम एनर्जी के साथ में वही चैप्टर आप एक घंटे में कर सकते हो और वही चैप्टर आप चार घंटे तक उसको सामने फिर भी एक शब्द भी नहीं जाता दिमाग में वाई दिस हैपन्स टू यू वाई दिस हैपन्स बिकॉज यू नीड टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी यू डू इन योर लाइफ राइट सो वेन यू डू रनिंग तो आपका मेंटल जो आ, अगर हम बात करें मेंटल एक्टिविटीज की वो भी रनिंग

से ही करो जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आएगा देखो सीगल yeah, की फैमिली है, सबसे पहले तो सीगल वाला चैप्टर कौन सा है तो सीगल वाला चैप्टर हमारे पास में आ जाता है His first flight. ओके okay, अब बाद में मैं अभी सब चीज नहीं लिखूंगी मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगी कैसे करना है जैसे ही तुम्हें पता चल गया फर्स्ट फ्लाइट है तो आप पता बा, बात करो खुद से ही बताओ कि इसका ऑथर कौन है अच्छा ऑथर कौन है ऑथर है तो स्टोरी कौन सी है जस्ट एक रफली स्टोरी दिमाग में आ गई स्टोरी कौन सी उसके बाद में देख लिया हमने इसका थीम सॉरी थीम देखा कि स्टोरी का थीम क्या है स्टोरी के थीम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है चलो देन कॉल हिम हिम कौन है यहाँ पे यंग सीगल कौन है भैया जी यंग सीगल है हमारा यहाँ पे ओके सो

तैयारी कर लो यार मन से पढ़ लो ना प्लीज सो आफ्टर सर्वाइविंग दिस क्यू पायलट फ्राइटन था डिस्टर्बेंस इन इंजन फ्लू करेक्ट सेक्शन बी क्विक जो जल्दी जल्दी करेगा आंसर उसको मिलेगा बहुत सारा क्लैपिंग बहुत सारा प्यार्ट वॉज विजिबल टू फेडरिक फोर्स अब आपने बताया ही होगा आई होप कमेंट सेक्शन में बताया होगा कि कौन थे ऑथर हुयर फ्लेट और यहां पे नाम भी आ चुका है मिस्टर फेडरिक का ओके व्हेन ही केम आउट ऑफ़ ब्लैक क्लाउड सो व्हाट वाज़ विजिबल उन्हें क्या दिखाई दे रहा था क्या अनादर एरोप्लेन टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस रनवे या बोथ बी एंड सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेक यू कंफ्यूज कि यहां पे ये भी है ये भी है कौन सा करना है वो तो आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट देन आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एन इंस्ट्रूमेंट बेसिक क्वेश्चन अगर आपने रीड किया है देन ऑल्सो टू नो द डायरेक्शन मैं चैप्टर देर इज एन इंस्ट्रूमेंट चलो इस चैप्टर की बात नहीं करें उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो आपको डायरेक्शन बताता है कि कहां पे नॉर्थ है कहां पे साउथ है कहां पे ईस्ट है और कहां पे वेस्ट

प्यारी प्यारी प्रवचन वाली बातें बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चंस करने के कैसे तरीके होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे आप पॉइंटर्स बना करके लर्न कर सकते हो यू डोंट हैव टू राइट ऑल द टेन लाइंस ना आप सिर्फ अपने शॉर्ट आंसर्स शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो वो सब डिटेल में बताऊंगी मैं आपको कभी मिलेगा वक्त तब जब होंगे आप मैं और सिर्फ हमारी पढ़ाई ओके लेट्स गेट टू दिस क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है वट हेड हिज पेरेंट्स डूइंग द डे बिफोर सो एक दिन पहले क्या देखा था यंग सीगल ने आफ्टर मेकिंग हिज हिज सॉरी बिफोर मेकिंग फर्स्ट फ्लाइट उसने क्या देखा था अब उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे एंड वट दैट लाइक इमोशन ही वॉज गोइंग थ्रू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट वेरी गुड क्वेश्चन ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है दैट हाउस

About that you you don't add that courage all right and but you overcome and now you are self-confident to talk in that language to anyone so agar who i had that you turn in your life do tell me in the comment section and how you felt then i am going to celebrate it okay

एयरप्लेन जो दूसरी ब्लैक एयरप्लेन थी उस वाले पायलट से क्यों मिलना चाहते थे बिकॉज़ ही वांटेड टू शो हिज ग्रेटफुलनेस थैंकफुलनेस शो करना चाहते थे दैट uh, उनकी वजह से वो उस स्टॉर्म में से उस ब्लैक क्लाउड्स में से बाहर आ गए एंड ही इज नाउ एबल टू मीट हिज फैमिली एज़ वेल तो ये सारी बातें कर ली हमने आज हमारे चैप्टर की कौन सा चैप्टर था यू वेरी वेल नो कौन सा था अरे एक नहीं था दो था बिल्कुल बिल्कुल बट चैप्टर एक ही लेसन का नाम क्या है टू ये पीपीटी में लगा नहीं है ये मैं लिखी देती हूँ यू ओके वॉट इट इज इट्स थैंक यू सो आई थैंक यू ऑल हार्टली फॉर section कमेंट सेक्शन दैट हाउ यू Anything इट you want? आपके सामने कमेंट सेक्शन है आप मुझे बताएंगे आराम से मैं जब आपके पी, आ, बाद में कमेंट्स पढ़ूंगी जब मेरे पास में पीडीएफ आएगी आई गो थ्रू दैट कमेंट्स डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कम टू पॉइंट जहां पे आपका फायदा होगा और हम भी आप तक अप्रोच कर पाएंगे ओके सो ऑन नोट यू नो वर्ट है